हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैंक पेमेंट की नॉर्मल एंट्री को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी के मेन मेन्यू में एंटर होना है। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी के मेन मेन्यू में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलाय में बैंक पेमेंट की नॉर्मल एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन पे एंटर करेंगे, बैंक बुक पे एंटर करेंगे, पेमेंट पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें जिस बैंक में भी पेमेंट करनी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। डेट, यहाँ पे आपको पेमेंट की डेट डाल देनी है। नेक्स्ट है वाउचर नंबर और चेक नंबर, यहाँ पे आपको वाउचर नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको चेक नंबर डाल देना है। एंटर कर देंगे। अकाउंट कोड, यहाँ पे आपको अकाउंट का नाम डाल देना है। आप यहाँ पे अकाउंट का नाम डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप पेज डाउन की प्रेस करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एंटर कर देंगे। रिमार्क्स, यहाँ पे अगर पेमेंट रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट, यहाँ पे आपको बैंक पेमेंट का अमाउंट एंटर कर देना है। एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारे सामने सभी परचेज के आउटस्टैंडिंग बिल्स आ जाएंगे। अगर हमें यहाँ पे बैंक पेमेंट की एंट्री को एडजस्ट करना है तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, फिर से एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री एडजस्ट हो चुकी है। चेंज जर्नल और क्विट, यहाँ पे हमें क्विट पे एंटर कर देना है। नेक्स्ट, आप जैसे ही यहाँ पे एस्केप करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट टाइप में, अगर आप एडवांस रिफंड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिफंड सिलेक्ट करना है। अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एडवांस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे बैंक पेमेंट की नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नॉर्मल सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। कन्फर्म येस नो में हम येस कर देंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री आ चुकी है, फिर से यस कर देंगे। यहाँ पे आप जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एंटर एंटर करते जाना है, आपके सामने वाउचर प्रिंटिंग का फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से एस्केप की प्रेस करनी है, आपको प्रिंट के लिए पूछ लेगा। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका वाउचर प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैंक पेमेंट की नॉर्मल एंट्री को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।